सो हम कहाँ थे? हाँ, मान लो x1 x2 xn सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास, और y1 y2 yn सम sd वेरिएबल है जिनके ऊपर हमें sd करना है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ x1 x2 xn इफ बी एक्सप्लेन वाई अबाउट y1 y2 yn, देन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, दिस टाइप ऑफ फंक्शन एनालिसिस कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, सो यू आर नॉट ऑन हियरिंग रियल मी। लाइफ, ओह सॉरी, नाउ स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यस सर, यस, लाइट भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ x1 x2 xn इफ बी ऑफ y1 y2 yn, सो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, ओके, सो देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन x1 और y1, सो बी स्टार्ट द सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस फर्स्ट, देन बी मूव MLR मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, सो बी स्टार्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस फर्स्ट, यू नो अबाउट लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, सो ओके, सो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरिएबल, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। इफ माय मॉडल इज दिस टाइप, y इक्वल टू बीटा 1 e टू पावर माइनस बीटा 2 x प्लस एप्सिलॉन, देन दिस लीनियर मॉडल इज कॉल्ड नॉन लीनियर रिग्रेशन। ओके, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ नॉन लीनियर फंक्शन एनालिसिस, सॉरी फंक्शन रिलेशनशिप। ओके, so between x and y if there exists a linear relationship, then this model is called linear regression model, or if x and y is non linear relationship, then this model is known as non linear regression model. Okay, okay, so in GATE exam your syllabus is started from simple linear regression analysis. Okay, in GATE exam not I think non linear regression analysis is not in GATE syllabus. Okay, so we start simple linear model. Why this is called simple linear model? If we have only one independent variable, if we have only one independent variable, means single variable, so this is called simple linear regression analysis. Okay, so suppose beta naught plus beta 1 x1 plus epsilon n. What is the epsilon? Epsilon is the statistical error. Okay, now this epsilon are called statistical error. Sorry, statistical. Okay. And this relationship is stochastic relationship. Okay, what is the stochastic relationship? Anyone any idea?
stochastic relationship means here x is a stochastic random variable, okay, means expectation of y given x equal to beta naught plus beta 1x, okay, because epsilon expectation of epsilon is zero here, one assumption, okay. So this is also known as mean response. So stochastic relationship matlab stochastic relationship matlab here x is a stochastic random variable, means here if we find the expectation of y, then we can not treat it as x is a random variable. Here x is a observed random variable, okay. Ye stochastics means the value of x is known, okay. Here x and y both are not random variables, okay. Yes, if you treated x is your stochastic random variable, then y is original random variable, means y given x is a means this y is nothing but this y is y given x, okay. We treat it as a conditional, okay. कंडीशनल में हम लोग यही तो करते हैं ना, अगर y डिपेंड कर रहा है x पर तो y गिवन x ही तो होता है, किसी को दिक्कत स्टोकास्टिक रिलेशनशिप में? नो सर. ओके, सिंपल लीनियर मॉडल में भी तो x डिपेंडेंट है, सॉरी x इंडिपेंडेंट है, y की वैल्यू x से फाइंड कर रहा है, स्टोकास्टिक में भी वैसे करना है, सो मेनली डिफरेंस क्या दोनों? सिंपल लीनियर मॉडल ही तो बोल रहे हैं हम, स्टोकास्टिक ना समझ में नहीं आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन करें. मीन्स जो हम सिंपल लीनियर मॉडल पढ़ते हैं उसमें हम स्टोकास्टिक रिलेशनशिप पढ़ते हैं, मीन्स वहां पर जो y होता है वो डिपेंड करता है x पर, ये मैं कहना चाह रहा हूं सीधा सीधा. ओके सर, सिंपल लीनियर मॉडल में ये स्टोकास्टिक रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पर हम ये ट्रीट नहीं कर सकते कि हमारा x एक अलग रैंडम वेरिएबल और y अलग रैंडम वेरिएबल, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, कि x और y दोनों अलग अलग रैंडम वेरिएबल नहीं डिपेंड कर सकते हम, y को ऑन द बेसिस ऑफ x ही डिफाइन करेंगे. ओके सर. ओके, इफ वी ट्रीटेड y इज अनदर रैंडम वेरिएबल एंड x इज अनदर रैंडम वेरिएबल, देन दिस इज अ रिलेशनशिप, ओके, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, बट दिस इज नॉट सिंपल लीनियर बिकॉज देयर इज नॉट स्टोकास्टिक रिलेशनशिप. ओके, इफ आई ट्रीट x फॉलो नॉर्मल एंड y, देन y फॉलो नॉर्मल, दिस इज नॉट, इफ x, सपोज x फॉलो एनी अदर लाप्लास, देन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लाप्लास आल्सो फॉलो लाप्लास, सपोज दिस इज फॉलो बीटा एंड देन y आल्सो फॉलो बीटा, नॉट बिकॉज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा इज नॉट फॉलो बीटा. ओके, सो हियर वी ट्रीटेड my y is depend on x, okay, so this type of relationship is called stochastic relationship. Okay, if you treat x is another random variable and y is another random variable, then you be not decide the function relation between y and x, okay. Okay, so here only x and y, okay, here only two variables x and y, suppose we have n observations, so n pair of data, means n observation, x1, y1, then that x and y1, okay. So what is the ith realization of this data? Means if we define ith random variable in the term of simple linear regression model, so this is not y I equal to beta naught plus beta 1
xi plus epsilon i. Okay, and this epsilon I are some assumption. So assumption of epsilon i given xi, expectation of epsilon I given xi equal to 0 for every I equal to 1, 2, dot dot n, and covariance between epsilon I and epsilon j equal to sigma square and 0 if I equal to j, if I not equal to j. Means this covariance is homeostochastic. What are the homeostochastics? Anyone any idea? No, sir. Okay. Wait a second. Sir, this E of epsilon I given xi, it is given xi. Yeah, because epsilon and xi are independent. Okay. So homeostochastic means when value of I changes, variance of epsilon does not change. There exist two type of heterocity, sorry, variability. So first, if my variance is same for all I equal to j, then this is called homeostochastic. Okay, if my variance is this type, okay, sigma I square. Okay, suppose this is my sigma I square. Okay, so the variance of the value of covariance is change. Okay, so my covariance matrix is nothing but this is sigma 1 square and sigma 2 square and something this if I not equal to j. Okay, sin not equal to j. If this type of I define this type of covariance matrix, so this type of covariance matrix is known as heterostochastic. Okay, I think you are wrong. I equal to j in case of heterostochastic. No. I think about heterostochastic, not homeostochastic. So 0 will be I not equal to j, means I equal to j. Okay. Wait a second. I say here, I think here I write this type. Okay. Here I write this. Okay. Here I write this. Okay. So this is known as homeostochastic. Now I am talking about heterostochastic, means variance of each I not equal to just sigma I square, means the variance of this diagonal covariance matrix of diagonals are different variance. Then this type of covariance matrix is known as heterostochastic. I am talking about heterostochastic. Okay, here this is right. This is right. If I write this thing, okay, if I write, I change the slide, okay. If I am writing this, this is nothing but sigma I square, okay. If I not equal to j, and other thing I equal to j, this is sigma I square, okay. Other two sigma, I sigma I square, okay. I sigma square, okay. So this here variance of here the covariance variance matrix is known as heterostochastic. Okay. Okay. I think this. See this, you see this, I, okay. So this is known as heterostochastic. If variance of same I equal to j, here sigma square and other variance, other covariance term is 0, then this is known as homeostochastic. Okay. So this is known as homeostochastic and this is known as heterostochastic. Okay. Anyone in confusion? Means if the covariance terms and variance term are different, then this matrix is known as heterostochastic. If variance term is same and covariance term is 0, then this is known as homeostochastic. Okay. Okay, sir. Okay.
So this is simple assumption on epsilon I. Okay, and the assumption of epsilon I is also changed. You see the gate 23 question 26. I see today the epsilon the assumption of epsilon I are changed. Only mostly epsilon I follow normal 0 comma sigma square I n sigma square. But here in the gate 223 papers epsilon I follow Laplace 0 comma 1. Okay. You see. Okay. So now we're talking about in my model, suppose this is my model, I define the ith observation of simple linear model y I equal to beta naught plus beta 1 x I plus epsilon I. Okay. Sorry. Okay, so our analysis in these two unknowns, okay, beta naught and beta 1 are unknowns, okay, known parameter, okay. So our ST about beta naught and beta 1, okay, so I write here only formula because I have not time to proof it. And in multivariate case, I proof, okay, because multivariable things is tough, so I prove that thing. But simple linear model, I use only formula, okay. And you see, for proof, you see Salab's unknown, IIT Kanpur, okay. Otherwise, any standard book, I send the list of books, okay, in the group. Today, I will send the list of book, okay. There are 5 or 6 books in the book list are references, you can see any book on it. Okay, so I write here only formula. So how will find beta, how will find beta naught, the estimate of beta naught and beta 1? Anyone any idea? Can you use least square estimates or maximum likelihood estimators? There are two estimation are possible, least square estimate and maximum likelihood MLE estimation. Okay, so we generally use the least square estimation because the least square estimation is more used in data set. Okay, so in least square estimation we define the loss function means you know loss function mean not you know why we define the sum of squares, why we minimizing sum of squares. You all study about least square estimation in BSc or graduation. Why we minimize sum of squares, not we minimize sum of cubes? Because it is connected to mean square error, so for that we use least square always. Means we define the loss function means this function is why we not use this function, okay, this function, why we use this function, okay, we use also this function, okay, and we use always use this function, okay. Mean this is absolute loss function and this is square loss function, okay. This we use this both function, okay. If we use this function or we use this function, we get same result, okay. So here we win my summation epsilon I square I is equal to 1 to n. Both this is my S. So this is nothing but this is equal to I equal to 1 to n y I minus beta naught minus beta 1 x I whole square, okay. So we differentiate first with respect to beta naught,
and then we differentiate with respect to beta 1. Okay. Sir, can you please explain once, like, why don't we use that absolute wala thing and we use mean square? Why don't we use cube? Kaj, you know, linear in linear algebra, if we finding distance between two points, which function we use? Other linear algebra not cube of mean geometry. What is the formula for distance between two points? Sir, x2 minus x1 and y2 minus y1 ka whole square matlab square. How this formula is defined? Why we not use cube? You know, between because this distance is minimum distance, okay. If we use cube formula, then my distance is larger distance, okay. 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 If we use cube formula and distance formula, then we find the larger distance. So here we minimizing the error, okay. So I think my error is small, okay. Okay. If my error is large, then I have not profit. If my error is small, then I have profit. Okay. So we use the square formula. Okay. Okay, sir. So differentiation between to beta naught and beta 1, you will get. Here you will get 2 minus summation I equal to 1 to n yi minus beta naught minus beta 1 xi. Okay. Okay, so this is my first normal equation, and second normal equation is minus cut 2 summation I equal to 1 to n. This minus is because this, okay. This minus is because this, okay. So this is yi minus beta naught minus beta 1 xi, and here is minus xi. Okay. So after solving these two normal equation 1 and 2, we will get beta cap. I write only formula, okay. You solve this, okay. Okay, you will get this. Okay, you will get this. Thus, here are two unknowns and two equations you can easily solve. Okay. So, beta or not beta, not beta 1. This is beta 1. And your beta naught is nothing but beta naught package to define y bar minus beta 1 bar x bar. Okay. So you all know these things in BSc, I think. Okay, under graduation you also teach linear regression, sorry, least square estimation. Okay. So if we define this is my SXY, we use separate notation, and this is my SXX. Okay. So this is my beta 1. Okay. Estimate of beta 1, okay. Means beta 1 head cap, beta 1 head, and beta naught head. Okay. So now we study about properties of beta 1 head and beta 2 head. Okay. And the sir, previous slide. Okay. Anyone in doubt?
I write only formula you solve this equation, okay? Because you solve this equation in gate exam, direct question asked in this formula, okay? This formula, okay? This formula. Okay. Okay. In also gate exam, you have another linear model, okay? You have not same linear model, okay? You have not same linear model. This linear model gate examiner are asked or not asked. This is dependent on examiner. Okay, so you have practice to solving this. Okay, how to minimizing the sum of square. Okay, but this is general thing. So if examiner ask this type of linear model, then in previous year question he asked question on the properties of beta naught and beta naught. Okay, so here you write the properties of. Properties of polis. Okay, this estimator is called ternary least square estimation. Okay. Least square estimator. Okay, so first property. Unbiasedness, okay. So expectation of beta 1 head is beta 1. You can prove this, okay. Expectation of beta naught equal to beta naught means beta 1 head and beta naught head. Both are unbiased, okay. These both are unbiased, okay. Okay. This is first property, and second property, how we find this variance, okay. Variance is up. Beta not head. And beta 1 head. Okay, so right here only formula you can see the proof, the notes of Salapsar. You can download from Google the notes of Salapsar. Okay, I write only here formula because I prove this thing in multivariate case. Okay, that in a single variable you can prove. Okay, the variance of beta not equal to sigma square 1 by n plus x bar square upon sxx. Okay, here sxx is nothing but this. Okay, this thing. Okay, so this is the variance of beta naught head and variance of beta 1 head equal to sigma square divided by 1. Okay, here sxx equal to you all know this thing. Okay, now the covariance between these two random variable. Okay, now this is random variable. Why this is random variable? Beta naught head and beta 1 head. Why this is random variable? Anyone any idea why this is random variable? Beta 1 head and beta naught head, why this is random variable? Why BSD this property? This is random variable due to the epsilon, which is actually associated with random statistics. Okay, because this is statistics. Any statistics shall be the random variable. Okay. So the covariance between beta naught and beta 1 is nothing but this is equal to minus x bar divided by s. Okay.
So this beta naught and beta 1 is also blue, okay? Okay. It's also blue, okay. So now we all open, you all open 2019 question paper, okay, gate, and see question number. Open or not open, you all? Because I have no, if I open the slide, then this AG Notes 5 will go, okay? If I open the paper, because I am not digital board, I have laptop, okay? So I cannot screenshot the question, okay? One thing is possible, I draw the slide of question paper, and here, I think here, writing in the slide is not good thing. Because if you write here the question and here also solution, then all thing is like this, okay? So you all open 2019 question. I say the question number. Question number. Question number 35, okay. I add the question. Anyone is not in town, I add the question. Your model is given this. Your model is given this. Y I equal to. Beta 2 epsilon I. In epsilon R, IID is. IID. Random variable. With expectation of epsilon I equal to 0 and variance is equal to variance of epsilon I equal to sigma square. This is greater equal to sigma I square and this is greater equal to 0. Okay. Okay. So here you find out the question is find the blue of unknown parameter beta, okay. This is the question. Finding the blue of beta, this is question. Okay, so here you see the variance of epsilon I sigma I square. So the variance is not homeostatic, okay. So first we define epsilon I on the basis of homeostatic variances. So if I divide yi sigma I square equal to beta by sigma I square plus epsilon I by sigma I square, then I think the variance of epsilon I, if I now I give the name yi star is equal to beta star plus epsilon I star, then I think the variance of epsilon I are same, okay, means homeostatic. Okay, you all understand this or not? Why we divide sigma I square? No, sir. Here you see the variance of epsilon I is sigma I square, means the variance of epsilon I is not homeostatic. Okay. So, we use just technique find the homeostatic variances of epsilon I divide the sigma I square. I'll think, okay. Sir, what is the meaning of that word, sir? You not know homeostatic and heterostatic variances? No, sir. I forget. Okay. First, you see this variance covariance matrix, okay?
So here variance of here is also sigma square. So variance of if my epsilon I follow this type of covariance variance matrix, epsilon I variance covariance, then the variances of epsilon I is equal to sigma square. Okay, if I equal to j. Okay. Yes. So this type of variance covariance matrix is known as homoscedastic. Okay. Okay. If I write this sigma 1 square, sigma 2 square, other 0, okay. So here the variances are not same, okay. So this type of matrix is known as heteroscedastic, okay. If the variance are same, then homoscedastic. Yeah, the variance are same. If variance are not same, then heteroscedastic, okay. So here the variance is not same of epsilon I, okay. And one assumption is epsilon I, the variances of epsilon I are same. You know, if I treated with simple linear model, here assumption is this, okay. Yes. Here the variances of epsilon I is sigma I square, okay. So this variance is, nothing but this variance is heteroscedastic, okay. So here only thing you do at sigma I square, then the variance of epsilon I upon sigma I square is homoscedastic, okay. Okay. Now you can teach it that this is my simple linear model, okay. You can teach it that or not. So we can apply the least square estimation and find the blue of beta, okay. And the OLS is blue estimator, okay. Because in simple linear model, the estimate we find the least square by the method of least square estimation, we find the estimate is blue, okay. So my yi star is equal to beta I star plus, sorry, you're not okay, you write the thing in last. So you define s is equal to summation of epsilon I square and I is equal to 1 to n. Get the value of epsilon in nothing but summation I is equal to 1 to n yi by sigma square. I put the value of y, I put in the value of y star and then put the value of beta I star, okay. Sigma I square. Means this thing is also right, you can add this, okay. Yi star minus beta I star. And now here we put the value. Any problem? Kisi ko koi dikkat hai to batao. No, no, sir. Samajh mein aa raha hai na? Yes. Okay. We finding the unbiased. Oh, sorry. We finding the estimate of beta naught. So we differentiate this is with respect to beta naught, okay. After differentiation we get this, okay. Summation I is equal to 1 to n y by here is also square sigma I square and then beta naught by sigma I square, sorry, here not beta I, is beta 1. Here is not 2, here is 2 and here is minus time 1 upon sigma I square, okay. Now putting in this normal equation to 0, we will get summation I equal to 1 to n. Yes.
thing, and this thing is greater equal to zero. Okay, here is given sigma I square is greater zero. Okay, so I multiply this thing. Okay, so this is zero. So I equal to 1.1. Y upon sigma I square minus beta 1 upon sigma I square. Equal to 0. So you will get here not square. So you will get beta not is equal to summation yi by sigma I square upon. You will get this value, okay? You check which option this value? I think option A, okay? Thank you, brother. Then, किसी को दिक्कत यहाँ तक? देखो इस पॉइंट पे तुम चेक करना यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम भी आएगी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू तुम्हारी, सॉरी मैक्सिमम नहीं, इसमें इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे और इस पे वैल्यू चेक कर लेना इस पॉइंट पे। ओके, चेक नहीं करते हैं एग्जाम में, यही कर देते हैं, यहाँ तक फाइंड करते हैं और ये आंसर हो जाता है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत ये समझ में आए बीटा वन कैसे फाइंड हुआ? यस सर। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या, तो बोल नहीं रहे हैं? सर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट दिस समथिंग। क्या नाम है तुम्हारा? फारूकी जी सर, एक्चुअली वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था ना सर, तो कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम। ओके, सो व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग टू फाइंडिंग द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, मींस फाइंडिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन सिंपल लीनियर मॉडल। मींस सपोज दिस What is the basic thing how you apply this type of model? So you all know many technique and LSC technique, okay, least square estimation and maximum likelihood estimation. But maximum likelihood estimation is more tough thing because you first you take the likelihood, then log likelihood, then differentiate. But in practice, the least square estimation is more generally thing in finding the unknown estimate of parameters, okay, estimate of unknown parameters, okay. So you use the least square estimation, okay. But the problem in simple linear regression analysis, the assumption on epsilon I is the variance of epsilon, means the covariance matrix of epsilon I is homoscedastic, okay. But here the assumption violated, okay. So we first divide by sigma I square, so my assumption is fulfilled, okay. So here we divide the sigma I square, okay. So here the assumption of epsilon I is fulfilled, okay. Mean this variance is the same, okay. The covariance matrix means variances of all epsilon I is same, okay. Now we define this is my yi star, this is my beta star, and this is my epsilon I star. Here you also have beta I star or beta star anything. Okay. So this is your, okay, you see these two matrix, you understand what is the homoscedasticity and what is the heteroscedasticity. Okay. So yi star equal to beta I star and epsilon, this is my a rewritten model, okay. This is my converted model, okay. My original model is this. My original model is this, and we converted the model in this type, okay. Because this is simple linear model and fulfill the assumption of simple linear regression model, okay. Yes. Now we apply the
least square technique. Okay, so the least square technique is minimizing the sum of squares of either. So we minimize the sum of squares of either. So and here you write the value of epsilon I. The value of epsilon I is nothing but yi minus beta I star. Yi minus beta I star square. Okay. And now you put the value of yi star yi upon sigma I square minus beta I upon sigma I square whole square. Okay. Now you differentiate between two beta I because here one only one parameter beta one. Okay, now clear, sir. Thank you so much. Okay. Then you will get the blue, okay? Okay. Yes, sir. So, my question was, I will complete the one question. I will complete the one question. 2019 में ही 51 क्वेश्चन देखना 51. Yes, जी बोले जी. One comment. अब जब आप क्वेश्चन है ना, y i इक्वल टू क्या दिया है? Y i दिया है तुम्हारा बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई आई इक्वल टू वन टू डॉट डॉट वन. ओके, और यहाँ पर बोल दिया साहब साहब कि बीटा नॉट इसे गिव एंड बीटा नॉट एंड बीटा वन इज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट. ओके ओके, देन वन थिंग इज गिवन समेशन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू जीरो दिस थिंग इज गिवन. ओके, देन व्हाट इज द फाइंडिंग द प्रॉब्लम इज फाइंडिंग द कोरिलेशन. ओके, यस आफ्टर कोरिलेशन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हेड एंड अंडर रूट वेरिएंस ऑफ. सो हाउ इज द फार्मूला ऑफ कोवेरिएंस बीटा नॉट हेड एंड बीटा वन हेड. यू ऑल नो दिस इज नथिंग बट माइनस एक्स बार अपॉन एस एक्स सिग्मा स्क्वायर. ओके, दिस इज द फार्मूला. ओके, now x bar is nothing but 1 upon n summation xi and summation xi is 0, so this is this correlation is 0. Anyone in doubt? Summation xi ki value 0 hai aur x bar tumhara kya hoga? X bar hoga tumhara 1 upon n summation xi I equal to 1 to n. So this thing is 0 and this thing is 0, so this answer is 0. Okay, this is koi dikkat tumhara 51 question ho gaya. So you remember, if you remember this formula then you find the all thing easily. If you not remember this formula then you feel not good in exam. Okay, because first you derived the formula and I think you did not drive in exam formula, because the formula driving for this type of xi or yi is difficult because you confused in variables. Okay, that the derivation of this all thing is like 2 or 3 pages. Okay, if you convert this thing in multivariate then this is easy. Okay, and the thing converting in multivariate, you have good knowledge of matrix algebra. Okay, so remember this type of formula. The question of regression analysis is only based on formula, but this means 23 papers, the question is not based on formula because the question is not asking this type. Okay, but in all previous years the question based ask in this theory of this. Okay, in the theory of least square estimation only. Okay, now you go to 2020 paper. Okay, okay, so far I my teaching technique is this. First I discuss the theory and then I discuss whose question asked in that theory. Okay, or we apply this theory and then I move to another theory, then I discuss the question of this theory and then I move another theory. Okay,
So today I teach simple linear regression. So I only discuss the question of simple linear regression. Okay. If passed by multiple, I discuss multiple linear regression. Then I discuss the multiple linear question. Okay. ट्वेंटी ट्वेंटी के क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ. Your model is given I, given y I equal to beta naught beta 1 xi square plus epsilon I. And I equal to 1, 2 dot dot n and greater 2. Okay. Here write yi is the observed value of capital yi and here write small xi square. Okay. In finding the OLS of क्वेश्चन ओलेस ऑफ बीटा वन. ओके ओलेस ऑफ बीटा वन. ओके सो यू कैन ओनली अप्लाई लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन. ओके सो यू राइट एस इज इक्वल टू नथिंग बट समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एप्सिलॉन आई स्क्वायर. ओके एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन. Y I, okay, Y I minus beta naught minus beta 1 xi square. Okay, so you first differentiate with respect to beta naught and then differentiate with respect to beta 1. So differentiating this with respect to beta naught, we will get Y I minus beta naught minus beta 1 xi square 2 times minus. Okay, so this is your first normal equation. And differentiating with respect to beta 1, you will get here is also square minus 2 times summation I is equal to 1 to n and y I minus beta naught minus beta 1 xi square. Okay, here you find minus, so this minus. So this is your equation 2. And now you will put B equation equal to 2, okay? Y 0. Then equal to 0, you will get 0. You will get what? This you will get this. By this you will get summation y I near I varies. Okay, here I varies. You can write I equal to 1 to n. Okay, here minus n beta minus beta 1 summation x I square. Okay, here I varies. Okay, this is 0. Here you write I summation x I square y I minus beta naught xi square, this is summation I equal to 1 to n and minus beta I summation xi square x I 4. So which candidate I equal to outside. Okay. So by this by star you will finding the value of beta naught in terms of beta 1. To find that value, okay. So by star beta naught is equal to nothing but this is equal to summation yi minus beta 1 summation xi square divided by n. Okay. So in double star, you put the value of beta naught. Okay. So in double star, when you put the value of beta naught, you will get. Okay, one question is writing here. I will explain this thing. Anyone any doubt in the multivariate class, this question, okay? Trace means trace of this, okay? So I will explain this on later.
later I will explain this. First you discuss this thing, okay? सबको समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, बीटा नॉट कैसे निकाल रहा हूँ? रफ लेकर करो, रिग्रेशन का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई टेक्निक नहीं ना, कोई फार्मूला होता है। रिग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब लीस्ट स्क्वायर सम को मिनिमाइज करना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। अगर मॉडल सेम आ गया तो ठीक है, मॉडल चेंज कर दिया तो तुमको करना ही पड़ेगा, पेन उठाना ही पड़ेगा। कोई प्रोफेसर नहीं है जो रिग्रेशन का क्वेश्चन में पेन उठाए कर देगा। अगर सेम चीज नहीं वो पढ़ा है तो, नया मॉडल आ गया तो मॉडल नया देगा तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा। मॉडल अगर वही दे दिया कि तुमने पढ़ा है मॉडल, तो तुम उसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है? यू पुट हियर द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट यू विल गेट, सॉरी बीटा वन यू विल गेट, हियर यू पुट द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा वन, ओके? सो हियर और जब वैल्यू ऑफ बीटा नॉट ये ज्यादा है समेशन वाई आई माइनस बीटा वन समेशन समेशन वाई आई माइनस बीटा वन समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन एन हियर बीटा वन समेशन बीटा वन समेशन So you can solve this, okay? N multiply N N, so you will get N summation X I square Y I minus summation Y I minus beta 1, so this is plus summation X I square and minus beta 1 summation xi and here also n, okay, equal to 0. So what is the value of beta naught, beta 1? You will get the value of beta 1 is nothing but this. N summation xi yi minus summation yi plus beta second, so this is one. As an xi square y is okay. This I multiply now. I am not multiplying this thing, okay? I am not multiplying this thing, okay? You multiply this thing first, okay? You multiply this thing, okay? Here you also multiply this thing, okay? So you will get this thing. किसी को दिक्कत है? मैंने इसका मल्टीप्लाई करना भूल गया था, ओके? So after multiplying this thing, x I square upon sir minus I कहा माइनस? एक मिनट मुझे सॉल्व कर लेंगे फिर उसके बाद बोलेंगे, बस एक वन लाइन बचा है। हाँ बोलो, ये आंसर आ गया, बोलो देखो आंसर यही आ रहा है या नहीं, बोलो कहा माइनस बोलो, किसका डाउट था? हाँ सर मेरा ही था, और ये माइनस समेशन कहा माइनस किस मतलब कहा कौन सा बीटा वन, बीटा वन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो बीटा वन के डिनोमिनेटर में दिख रहा है, अभी अभी का स्लाइड जो है वो वन है अभी जहां पर हम लोग ने किया, ठीक है जी? हां यहां कहां ये बीटा वन, तो माइनस में चेंज तो कर दिया मैंने माइनस, ये यहां ये माइनस में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, सीधा आंसर ओनली। यहाँ ये माइनस चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस वाला, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, मैंने माइनस यहाँ कर दिया यहाँ प्लस कर दिया, क्या दिक्कत आ रही है बोलो?
सबको समझ में आया आंसर ये होगा, देख चेक कर लेना सबको समझ में आया। जी जी सर, क्लियर। ये परिदृश्य का क्वेश्चन है, मैं कोई सार ठीक नहीं बता सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज़ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस एंड देयर इज नो शॉर्टकट वे टू फाइंडिंग द लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेशन ऑफ रिग्रेशन अननोन पैरामीटर। ओके, ये देखो ये देखो, ये वो आपका सेट में जो आएगा। Only start trick apply if your model is well known model. If your model is not well known model, you cannot apply anything. Okay. समझ में आया सबको या नहीं? Yes. किसी को कोई doubt हो तो मैं एक बार और repeat कर देता हूँ, ठीक है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो हमारे पास मॉडल ये था, ओके, सो माय मॉडल इज दिस, ओके माय मॉडल इज दिस एंड हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट फाइंडिंग द ओलेस ऑफ बीटा वन। ओके, यू सी फर्स्ट क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन, देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। What is the basic fundamental thing to apply to finding the OLS? You apply the least square technique, okay? So here you write S equal to I equal to 1 to n epsilon I square. And you write the value of epsilon I. Epsilon I is yi minus beta naught minus beta 1 xi whole square. Xi square whole square, okay? In any doubt? तुमने value put कर दी? Yes. इसके बाद किसी को दिक्कत नहीं। अब इसके सिंपल सा क्लास 12 का डिफरेंशिएशन लगाना है, बीटा नॉट को मानना है अननोन और बाकी सब नोन, मतलब बीटा नॉट एक वेरिएबल है, बाकी सब समझ जाओ कि कांस्टेंट है। बीटा वन कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, एक्स आई भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, वाई आई, ठीक है? इसको करना है तुम्हें डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट किए तो आया माइनस का टू समेशन आई इक्वल टू वन टेन वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई स्क्वायर। तू बाहर आ गया और जब तुमने माइनस इसका अंदर वाली चीज कर दिया तो माइनस बाहर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? डिफरेंशिएशन कर लिए। इसके बाद तुमको बीटा वन के रिस्पेक्ट में करना है, बीटा वन के रिस्पेक्ट में किया माइनस का नो टू बाहर आया, इसके बाद अंदर वाली चीज को तुमने टू यहाँ से माइनस कर दिया तो ये चीज तो आ गई वैसे ही। अब बीटा वन के रिस्पेक्ट में करना है तो यक्स आई जो है तो यक्स आई माइनस सात माइनस के साथ बाहर आ जाएगा, मैंने वो माइनस यहाँ लिख दिया है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने अब दोनों इक्वेशन बना लिया है, दोनों इक्वेशन को लिखा है, जो टू था वो मैं जीरो की तरफ ले गया क्योंकि अननोन ओ नॉट इक्वल टू जीरो से मल्टीप्लाई करने डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों जीरो हो गए। इसके बाद तुमने क्या किया कि इसका समेशन ले लिया और इसका एन टाइम समेशन एन बीटा नॉट आ गया, इसका समेशन बीटा वन समेशन एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया। इसके बाद तुमने सेकेंड वाले का भी समेशन ले लिया, समेशन एक्स आई स्क्वायर वाई आई बीटा नॉट समेशन एक्स आई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करते करते ठीक है आ गया ये डबल स्टार। फिर तुमने क्या किया कि स्टार से बीटा नॉट की वैल्यू निकाला, स्टार से बीटा नॉट की वैल्यू ये आई, क्लास 12 की तरह स्टार से बीटा नॉट की वैल्यू निकाला। अब क्या किया, बीटा नॉट की वैल्यू डबल स्टार वाले इक्वेशन में रख दिया, यहाँ बीटा नॉट की वैल्यू रख दिया, यहाँ बीटा नॉट की वैल्यू रख दिए, ठीक है? तो यहाँ आ गया समेशन एक्स आई वाई स्क्वायर, आई जी जैसे लिखा था वैसे उतार दिए, यहाँ बीटा नॉट की हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ इसका मल्टीप्लाई वो जैसा था वैसा लिखा। इसके बाद एन से मल्टीप्लाई कर दो सब में एन एन, तो एन यहाँ से कर जाएगा, यहाँ एन आएगा, यहाँ एन आएगा, यहाँ एन आ गया, यहाँ एन आ गया, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है? तो यहाँ एन समेशन एक्स आई स्क्वायर वाई आई आ गया, यहाँ समेशन वाई आई समेशन एक्स आई स्क्वायर आ गया, यहाँ बीटा वन समेशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ माइनस का एन बीटा वन माइनस का समेशन एक्स आई के पावर फोर इक्वल टू जीरो आ गया। यहाँ से अब बीटा वन की वैल्यू निकाल लेना, जैसे तुम्हें सी मान लो बीटा वन सी है, सी की वैल्यू जैसे निकालो तो वैसे बीटा वन आ गया, आंसर आ गया। इसके आगे किसी को समझ में आया? ओ किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना सबको? जी सर,
ओके ओके सो नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन माय अनदर क्वेश्चन इज आई राइटिंग द क्वेश्चन consider the following 0.5 following model okay y I equal to beta xi plus epsilon I xi and I equal to 1 2 dot 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 n okay here y I followed y I are observed okay and beta is a non parameter and epsilon I follows f of u and f of u equal to nothing but 1 upon 2 lambda e to power minus u lambda by lambda in u belong support of u real number okay mean this is double exponential hai na डबल एक्सपोनेंशियल का ही पीडीएफ लिखा है ना लाप्लास का ही पीडीएफ लिखा है ना ये लैम्डा इज आल्सो एन अननोन ओके सो हियर द क्वेश्चन इज फाइंडिंग द एलएससी ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट ऑफ Your first question is finding the least square estimate of beta and second question is MLE of beta okay. MLE of beta This is first question and this is second. Okay, so you all write first the question, then I solve this question. Okay, here x I is also positive constant. Okay, x I is positive. x I is positive constant. So here first find my model is y I is equal to beta I x I plus epsilon I x I. So I divide here I write this any problem? Any problem? No sir. Okay. So finding the OLS is easy. Yes. You did write as equal. Why did you write x I like that? Because here x I is multiple. Okay. If you write what? Actually, sir, वो पूछ रही है कि ऐसा क्यों लिखे हैं? फिर तो आप एप्सिलॉन आई के नीचे भी आप एक्स आई लिख सकते थे मतलब एप्सिलॉन आई के नीचे एक्स आई लिखोगे तो एक्स आई नहीं आएगा कॉमनली जैसे सर मल्टीपल में सॉरी मैंने ये मल्टीप्लाई में ठीक है सो आई एस इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन सो यू राइट आई इक्वल टू 1 टू एन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नथिंग बट वाई आई ऑन एक्स आई मैंने बीटा So you write this like this.
Now you differentiate, okay? Now differentiate, you will get what? 2 summation minus beta, and again it is minus, okay, equal to 0. After differentiating with x to beta, you got this thing, okay? Means you differentiate this thing, not you not write this thing from this. You differentiate this thing, okay? You will get this thing. Oh, sorry, here beta, okay? Here not beta, here beta. Okay, here beta. Here beta. So here beta. Main question. Here in beta, okay. Okay, anyone in doubt? No, sir. पहले मैंने s लिख लिया समेशन i इक्वल टू 1 एप्सिलॉन i स्क्वायर. इसके बाद मैंने एप्सिलॉन i की वैल्यू डाल दिया. इसके बाद मैंने बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया. यहां से बीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? अभी जो टका था भेजो नहीं कि नहीं बताओ. आएगा ये नहीं आएगा? ये तुम्हारा क्या हो गया? लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेशन हो गया बीटा का. अब तुम मुझे बताओ कि वाई आई अपन एक्स आई इज इक्वल टू बीटा प्लस एप्सिलॉन आई है. अब ये बताओ एप्सिलॉन आई क्या फॉलो कर रहा है? लाप्लास जीरो कॉमन लैम्डा, यही है ना उसका वो? तो बीटा प्लस एप्सिलॉन आई क्या फॉलो करेगा? लाप्लास बीटा कॉमन लैम्डा. बताओ वेरिएंस पे इफेक्ट क्यों करे पड़ेगा जी? तुम सीधा से ये वेरिएंस इसका ये निकालो. बीटा एक कांस्टेंट है तो वेरिएंस आप कांस्टेंट जीरो ना जाएगा? पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के मल्टीवेरिएट पढ़ाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जानूंगी समझ में कुछ नहीं आएगा. अभी मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ाऊंगा, काकरम थ्योरम पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आएगा अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जानते. ये छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल का फॉलो करेगा. नॉर्मल से काई स्क्वायर कब होगा, काई स्क्वायर से नॉर्मल कब होगा, इन दोनों के बीच मल्टीवेरिएबल में क्या रिलेशन, बिसार्ड क्या होता है, ये सब जान लेना. ओके, कोई दिक्कत हुई? अगर नहीं नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिखो x follows Laplace 0 comma a, then ax plus b follows Laplace b comma you not write a, okay, that the variable is same 0 comma lambda, then a, so this variance is equal to a square lambda, okay? Okay, I can add thing only this in मतलब this thing is not in book I write. So you apply the transformation, the most thing you apply, you first convert it exponential, then you obtain the Laplace. Okay, because exponential is more used in our more usable, because exponential distribution I use many times, but Laplace distribution I not use many times. Okay, the thing is easy if you be deal exponential with this with term of exponential. Okay, so because I have find the median of exponential easy in respect to Laplace distribution. Okay, so I convert Laplace distribution to exponential distribution, then I find the result of Laplace distribution. Okay, so okay, this is another thing. And now you focus on finding the MLE of this. So how can you write the likelihood function L of beta
So you write first, you write first the PDF. Okay, so PDF of this distribution is 1 upon 2 lambda e to power minus x minus beta. Okay, if this variable is x, okay, this variable is x upon lambda. Okay, so here you write the likelihood. So likelihood is nothing but e to power minus summation yi. Here variable is this, okay, yi upon xi, okay, minus and beta. Okay. So here yi, okay, so here write yi upon xi, this follows Laplace beta comma lambda. So writing the PDF of this, this PDF is nothing but 2 upon lambda e to power minus lambda and mod yi upon xi minus beta. Okay, anyone in doubt? The PDF of f of y given x. Okay, y given x not y upon x. Okay, suppose this is z. So f of PDF of f of z. So writing the likelihood is g. Okay, this is equal to e to power minus lambda and summation yi by xi minus beta I equal to 1 to n. Okay, lambda is greater 0. Okay, anyone in doubt? Bolo. Is it quite a cut? No, sir. No, sir. All the way. Abis kiva diva talk is come and Emily Cassini Kalunga. लॉग लेके डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 करके उसके वैल्यूज निकालने के बाद वैल्यू आ जाएगी. तुमको पता लगता है कि ये सॉल्व हो पाएगा? हां नहीं, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका मॉड्यूलस है. तो ये क्या होता है यहां पर वो ईमेल बड़े हो ऐसा पर टू वैल्यूज लेंगे ईमेल क्या मतलब दोनों मतलब ये मॉड्यूलस होने की वजह से इसका यूनिक वैल्यू नहीं होगा मतलब ग्रेटर देन और लेस देन में आ जाएगा. अब तुम ये मुझे बताओ कि ये फंक्शन कब तुम्हारा मिनिमम होगा, ये चीज कब मिनिमम होगा? मीडियम मीडियम राइट. ऐसा क्वेश्चन लगाया होगा ना कि e के पावर एक्सपोनेंशियल में मीडियन के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू मिनिमम होती है ना? यस. अगर ये मिनिमम होगी तो e के पावर भी मिनिमम होगा. मैक्सिमम होगा तो नहीं, इसका वैल्यू मिनिमम होगा क्योंकि ये माइनस में है. तो लाइक्लीहुड में हम क्या करते हैं बताओ? ML फाइंड करने के लिए हम लोग फंडामेंटल क्या लगाते हैं ये बताओ? फंडामेंटल लॉग लगाएंगे. फंडामेंटल तो लॉग लगाते हैं लेकिन ML का मतलब क्या होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है उसका. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल मतलब पैरामीटर का, सॉरी नॉन पैरामीटर. The maximum of meter for the likelihood function is maximum. Okay. This is the definition of MLE. So if I take beta is equal to median, then this likelihood function is maximum. How can you check this? Batao. Can you use the graphical approach?
ग्रैपनर को सही है तुम्हारा ग्रैपनर को यूज करेंगे so okay you can check it okay you can write the some random number or random observation and then find the median of that random observation and check this value which this function is like the value of likelihood maximum and beta is median okay if beta I take beta is median if I take beta is median of yi by xi okay so this value is maximum the value of likelihood is maximum okay because this is minimum and lambda is greater 0 and this is nothing okay so the MLE of beta is median of yi upon xi okay सबको समझ में आ गया सर अभी आपने बोला कि ग्राफिकल अप्रोच से हम चेक कर सकते हैं बट मैथमेटिकल अप्रोच से कैसे हम चेक करेंगे मैथमेटिकल अप्रोच से तुमको कुछ वैल्यू चाहिए वाई आई की मान लो पांच वैल्यू ले लेना एक दो तीन चार पाँच ठीक एन की वैल्यू ले लेना पाँच एक्स आई की वैल्यू ले लेना कितना एक्स आई की वैल्यू को ले लेना दो तीन छः ठीक है ले लिए इसके बाद क्या करना कि इनका मीडियन निकाल लेना वाई आई अपान एक्स आई का ठीक है और मीडियन पे चेक करना कि तुम्हारा लाइकलीहुड फंक्शन मैक्सिमम है लेमडा की वैल्यू ले लेना कुछ लेमडा की वैल्यू ले लेना दो फिर चेक करना कि इसकी वैल्यू जो है बीटा की जो वैल्यू आएगी तो इसकी मीडियन पे मैक्सिमम आ रही है या किसी और पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है समझी ओके 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 दिस टाइप ऑफ मेंस स्टैटिस्टिक्स में कुछ चीज हम लोग क्या सर्वेयर यूज करते हैं पता है स्टैटिस्टिक्स में सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाना हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हैं बताओ क्योंकि कुछ चीजें हम लोग नंबर के क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक प्रिडिक्शन होता है स्टैटिस्टिशियन सिर्फ प्रिडिक्ट करता है वो ओरिजिनल वैल्यू जानता ही नहीं कि ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी वो बोलेगा कि मेरा डेटा इसके आसपास लाई करेगा तो वो लोग पहले डेटा को बहुत ज्यादा डेटा की एनालिसिस करते हैं फिर डेटा के बेस में रिजल्ट बनाते हैं समझी इसलिए अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है कि वैल्यू मैक्सिमम कैसे होगी तो तुम तुरंत डेटा सोचो वहां पर वैल्यू रखो और एक नहीं दो चार डेटा सोचो देखो तुम्हारी वैल्यू हो रही है कि नहीं और अगर तुम्हें इसका प्रूफ देखना है तो पहले ये देख लो ये चीज तुम प्रूफ कर लेना कि वाई अगर मीडियन है यहाँ पर तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी एक्सपेक्टेशन इसकी है ना ये मिनिमम होता है अगर मीडियन है ठीक है पहले ये प्रूफ कर लेना इसके बाद ये ऑटोमेटिक ये मिनिमम होगा तो लेमडा के लिए किसी के लिए ये तो ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा अगर ये वैल्यू तुमने मैक्सिमम ले लिया तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करके ये मिनिमम कर देगा वैल्यू को क्योंकि ये e के पावर माइनस में है समझी ओके काम में आया कि यस सर तो इसका मीडियन और वो फाइंड हो गया ठीक है अब एक क्वेश्चन 2022 पे आना 2021 आई अभी खराब तुमने कब पेपर बनाया था दो हजार बीस में ही 2024 देखना 2020 का 24 क्वेश्चन बीस को 24 खोल लिया तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार देखो 24 में भी कुछ नहीं दिया है हमको डराने के लिए उसने क्या दिया है यहाँ पर समेशन एक्स आई की वैल्यू देखो पहले देखो मॉडल हमारा वही है ना जिस मॉडल के लिए हम लोग बात कर चुके हैं जिस मॉडल के लिए हम लोग देख चुके हैं ठीक है मॉडल भी वही है सेम एज ठीक है मॉडल यही है इसके बाद क्या है तुम्हारा समेशन एक्स आई की वैल्यू जो है वो जीरो है ठीक है और आई इक्वल टू 1 to 7 है मैं लिखूंगा नहीं लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार हर जगह नहीं लिखूंगा
आई, यहाँ आई बस बैरी करा दूंगा, आई इक्वल टू 127 है, ओके। देन दिया हमें समेशन एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 28 दिया है, देन दिया हमें समेशन एक्स आई वाई आई इक्वल टू 28, ओके, यहाँ हर जगह आई वेरी है, ओके। फिर दिया हमें समेशन वाई आई इक्वल टू 21, एंड फिर दिया समेशन वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू 91, ओके। और पूछा क्या है, नॉर्मल से चीज पूछा, व्हाट इज द कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन अल्फा कैप एंड बीटा कैप। तो ये क्वेश्चन जो नहीं करके आ रहे होंगे उस समय, तो मतलब समझ जाओ तो पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर कोवेरियंस पहले तुम निकालोगे तो कोवेरियंस क्या आएगा अल्फा कैप और बीटा कैप के बीच में। अभी मैंने लिखा फार्मूला, ये आता है क्या, यक्स बार अपान यस एक्स एक्स सिग्मा स्क्वायर, यही आएगा ना, माइनस में, हाँ सॉरी मैं लिख ही रहा था, इसलिए माइनस में आएगा, ठीक है माइनस में, बट एक्स बार क्या होगा, वन अपान एन समेशन एक्स आई, एंड समेशन एक्स आई जीरो है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, नहीं बताओ बताओ, यस सर, समझ में आया सबके, समझ में आ गया सबको कि नहीं, मतलब ये समझ जाओ कि हमने हमको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि एक वैल्यू पे ही सारा डेटा जीरो आ गया हमारे पास, ये रिजल्ट है, हमने रिजल्ट लगाया और आंसर हमें मिल गया जीरो, इन सब वैल्यू का कोई यूज नहीं है, पागल की तरह अगर तुम वहाँ सॉल्व करने लगे, कोई सॉल्व करने लगे तो वो टाइम भी अपना लॉस कर देगा और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ वेरियंस निकालने की जरूरत थी ना, तो यहाँ क्या निकालने की जरूरत, दूसरे वाले के बारे में, मतलब ना वेरियंस अल्फा कैप निकालना था ना वेरियंस बीटा कैप, सीधे एक्स आई जीरो है तो वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है समझ आया सबको, बोलते जाओ भाई तुम लोग, बोलो जानू कैसे कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि नहीं। अब एक क्वेश्चन 2021 पे जाना, आईआईटी खड़गपुर जो भी बनाया था, आईआईटी बॉम्बे बनाई थी, जो भी पेपर बनाया था, इस पे क्वेश्चन 8 पे जाना, क्वेश्चन 8 देखो मॉडल हमारा वही है, हमने मॉडल पढ़ चुका है, हमने इसकी सारी प्रॉपर्टी सीख लिया, ठीक है ठीक, इस मॉडल की तो सारी प्रॉपर्टी सीख ली हो ना, मतलब सारी जितनी हो सकती है अभी, और बाकी जितनी होंगी अभी तो मैं और बता दूंगा प्रॉपर्टी। अब उसने डिफाइन क्या किया था, उसने लिख दिया देखो कि बीटा नॉट, बीटा नॉट हेड एंड बीटा वन हेड, साफ साफ लिखा उसने ओएलएस, ओएलएस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट, ओके। और इसने लिख दिया कि सिग्मा स्क्वायर तुम्हारा जीरो है, कहाँ पर एप्सिलॉन आई फॉलो कर रहे हैं, मीन जीरो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, यार इंडिपेंडेंट लिखा होंगे, ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा, जीरो मीन है और वेरियंस इसका सिग्मा स्क्वायर, ओके। एंड बीटा नॉट बीटा वन ओएलएस है, और लिख दिया एक्स बार इज इक्वल टू तुम्हारा जो वैल्यू होती है एन अपॉन वन अपॉन एन समेशन एक्स आई, एंड एस वन तुम्हारा लिखा है उसने, जो हम लोग एस एक्स एक्स करते हैं वही एस वन है, ओके। और तुम्हारा एस टू जो है, एस टू ये है तुम्हारा क्या, एस टू तुम्हारा है वन अपॉन एन वाई आई और एक्स आई माइनस, ठीक है। उसने सारा इस्तेमाल लिया क्योंकि उसने ऑब्जर्व वैल्यू डाल दिया, ठीक है
उसने लिख दिया कि ऑब्जर्व है तो इस्तेमाल यहाँ हर जगह इस्तेमाल इस्तेमाल ठीक है कैपिटल में। अब उसने पूछा क्या है हर रियल कांस्टेंट सी सी को रियल कांस्टेंट है उसने पूछा वेरियंस ऑफ बीटा नॉट हेड प्लस सी और यहाँ सी उसने बोला कि कोई रियल नंबर है ठीक है ये तुम्हें फाइन करना है तो पहले बताओ ये इसके बराबर आएगा कि नहीं वेरियंस ऑफ बीटा नॉट हेड आएगा या नहीं बोलो वेरियंस ऑफ बीटा नॉट प्लस सी ये हमें फाइन करना है तो यहाँ सी एक कांस्टेंट है तो वेरियंस ऑफ बीटा नॉट ही हो जाएगा क्योंकि वेरियंस ऑफ ए वेरियंस ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स। अब वेरियंस ऑफ बीटा नॉट की वैल्यू सब तुम लोग अभी पीछे फार्मूला लिखे ये होता है सिग्मा स्क्वायर वन बाई एन प्लस क्या एक्स बार स्क्वायर वन बाई एन प्लस एक्स बार स्क्वायर एस एक्स एक्स ओके अभी पीछे तुमने ये लिखा ठीक है। अब हमें ये बताओ जो ये एस एक्स एक्स है तो इसने क्या दिया नाम उसका एस वन ठीक है इसने उसका नाम दिया एस वन तो तुम यहाँ एस वन कर दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा वेरियंस ऑफ बीटा नॉट क्या हो गया अब ऑप्शन अपना देख लो कौन सा है तो तुम्हारा ये ऑप्शन बी है शायद ठीक है ठीक तो मतलब अगर तुमको ये रिजल्ट याद है तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे ठीक है ठीक है। अब मैं आता हूँ एक क्वेश्चन किसी का था क्रिटेस के था मैं एक दिन क्लास लिया था सर के साथ मैंने क्लास ज्वाइन किया था तो किसी ने पूछा था क्रिटेस कैसे होगा क्रिटेस मैंने बोला था कि मैं सोल्यूशन भेज दूंगा लेकिन सोल्यूशन में भेज मैं यही बता दे रहा हूँ उसको ठीक है शायद यस से नाम है उसका क्या नाम है मुझे नाम नहीं है ठीक है इसका भी हो गया। अब बाकी उसके बाद तुम लोग ये जाके सॉल्व करना और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना नेट के क्वेश्चन सॉल्व करना रिग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो भेजना अगर कोशिश करूंगा मैं पहले बना लूं नहीं बनेगा तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि बन ही जाएगा नहीं तो फिर हर संभव प्रयास करेंगे अपने आप हो सकेगा बाकी मैं उसका डाउट था हाँ ये किसका डाउट था वो क्लास में है या नहीं मेरी थी। हाँ आ रहा था अब बोलो तुमको इसमें क्या समझ नहीं आ रहा था देखो पहले मुझे ये बताओ कि वो क्वेश्चन खोल लो तुम वो क्वेश्चन खोल ली जो विशाल्ट में था तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा था ट्रेस ऑफ एक्स सिग्मा इनवर्स बाकी जिनको जाना हो तो जा सकते हैं ठीक है अगर नहीं है समझना तो जा सकते हैं आप क्लास आपकी खत्म हो चुकी है और रिवाइज करो जितने रिजल्ट मैंने बताया जाके वो नोट्स में लिख लो प्रॉपर उनको याद रखना क्वेश्चन उसी साल होंगे तुमने देखा कि आज गेट के कम से कम चार से पांच क्वेश्चन इतने ज्यादा ज्यादा 16 क्वेश्चन तुमको गेट में मिलेंगे अभी तक के एग्जाम में डिग्रेशन 16 भी मुझे नहीं लगता कि 16 मिलेंगे मुझे लग रहा है पंद्रह क्वेश्चन मिल जाएगा तीन क्वेश्चन अगर एक एग्जाम में आता है तो 15 मिल जाएगा और 15 में तुमने तीन कहा हमने लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आज ही सॉल्व किया है एक दो क्वेश्चन तुम्हारा टेस्टिंग से आता है वो मैं जब टेस्टिंग पढ़ाऊंगा तब सॉल्व कर दूंगा बाकी क्वेश्चन इस बार आया था उससे थोड़ा एमेली वमेली आया था उसको मैं डिस्कस कर दूंगा कल मल्टीवेरिएट पढ़ेंगे ठीक है सर इसमें मतलब ये मतलब काई स्क्वायर कैसे आया मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काई स्क्वायर आया वो समझ नहीं आ रहा मुझे ये बताओ मुझको कि
बिसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, बिसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उस पर जेड ये क्या फॉलो करता है? बिसार्ड को हम कैसे लिखते हैं? बिसार्ड को ऐसे ही लिखते हैं ना, जेड ट्रांसपोज जेड, इफ जेड इक्वल टू नॉर्मल। यहाँ जेड क्या है? स्टैंडर्ड जेड नॉर्मल एन या कुछ भी ले लो तुम, यहाँ पी ही ले लो, जीरो कम आई थी यही है ना। तो यही है ना। अब इसके बाद ये तो तुम्हारा बिसार्ड चला जाता है क्या? बिसार्ड पी सिग्मा कामा एन ये जाता है ना। बोलो। हाँ सर ये है, यही जाता है ना। सिग्मा कामा एन और एन कामा सिग्मा में कंफ्यूज मत होना, तुम्हें बता दूं मैं नोटेशन थोड़ा अलग यूज करूंगा। एन कामा सिग्मा अगर तुमने पढ़ा हो तो वो मत होना, घबराना नहीं, क्योंकि मेरे नोटेशन अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अलग पढ़ा, ठीक, मतलब मैंने नोटेशन अलग पढ़ा इनका एन कामा सिग्मा, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ किसमें ईच जेडाई क्या फॉलो करेगा? इस नॉर्मल वाले में एक जेडाई क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल जीरो कामा वन, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी? नहीं पढ़ी होगा। नॉर्मल मल्टीवेरिएट एक जेडाई अगर नॉर्मल जीरो कामा वन फॉलो करेगा तो ये क्या फॉलो कर जाएगा? ये जेडाई जेडाई ट्रांसपोज ये तुम्हारा क्या फॉलो कर जाएगा? ये तुम्हारा काई स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? हाँ। ये काई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये काई स्क्वायर कितने वेरिएबल में बनेगा? पहले तुम अपने क्वेश्चन पे आओ। यहाँ मतलब जेडाई, तो जेडाई स्क्वायर तुम्हारा क्या फॉलो कर जाएगा? काई स्क्वायर वन, ठीक है। यहाँ समझो काई स्क्वायर वन फॉलो कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो समझ। अब देखो तुम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आओ। तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, स्ट्रेस ये निकालना था, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया कि सिग्मा को हाफ हाफ कर दिया, यहाँ मैंने सिग्मा को हाफ हाफ कर दिया, ठीक है, समझ आया? हाँ। इसके बाद मैंने इसको मान लिया बी और इसको मान लिया ए। ये ऊपर वाला ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। प्रॉब्लम कोई? हाँ, मैंने लगा दिया टेस ए बी इक्वल टू टेस बी ए, तो मेरा ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या किया कि इसने नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल बना दिया, ठीक है। इस सिग्मा ने इसमें मल्टीप्लाई होकर नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल बना दिया, मीन्स ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बन गया कि नहीं? ये स्टैंडर्ड बन गया। तो ये तुम्हारा, अगर मैं इसको जेड मानूं तो टेस जेड जेड, तो ये भी तुम्हारा बिसार्ड बन गया। इतना तो तुम प्रूफ कर चुके थे। तो अब जैसे काई, जैसे नॉर्मल में नॉर्मल जीरो कामन होता, वैसे बिसार्ड में काई स्क्वायर होगा ना, वैसे बिसार्ड के भी वेरिएबल काई स्क्वायर होंगे ना, ईच वेरिएबल, क्योंकि काई स्क्वायर का वो है, काई स्क्वायर का जनरलाइजेशन है। तो बिसार्ड किस वेरिएबल में था? वो बिसार्ड फोर था, यहाँ शायद था बिसार्ड फोर। हाँ बिसार्ड फोर है। ये मेरे कहने का मतलब ये बिसार्ड वन एंड समथिंग आई कामा फोर, तो यानी कि ये तुम्हारा क्या काई स्क्वायर फोर फॉलो करेंगे, समझे? हाँ, ये तो काई स्क्वायर फोर है डायरेक्ट। ये सारे जेड आई काई स्क्वायर फोर फॉलो कर जाएंगे। जेड आई ट्रांसफोर मतलब जेड आई स्क्वायर काई स्क्वायर फोर फॉलो कर जाएगा, समझी? मतलब इसको तुम ले सकते हो, ये तुम्हारा काई स्क्वायर फोर फॉलो करेगा। काई स्क्वायर फोर को थ्री टाइम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? काई स्क्वायर 12 हो जाएगा ना, समझी? किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। अभी रिग्रेशन की क्लास में पूरी स्लाइड में कहीं पर कोई डाउट हो, मैं स्लाइड एक बार फिर से चला देता हूँ, पीछे से मैं बैक कर देता हूँ।
पहले मैंने बताया कि रिग्रेशन क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर लीनियर नॉन लीनियर में कोई दिक्कत हुआ हो तो फंक्शन लीनियर है तो लीनियर है। इसके बाद ये स्टोकास्टिक रिलेशनशिप बताया, आईएथ रियलाइजेशन, हेटरोस्केडास्टिसिटी और होमोस्केडास्टिसिटी बताया। एलएस एलएससी निकालना तुम लोग ग्रेजुएशन में सीख लियो, निकाल लियो गए। अनबायसनेस प्रॉपर्टी लिखा, बैलेंस की प्रॉपर्टी लिख, बैलेंस लिख दिया, कोवेरियंस लिख दिया, बैलेंस लिख दिया। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किया, इसे कोई दिक्कत हो रही बता देना। ये मैंने तुमको डिटेल में बताया कि होमोस्केडास्टिसिटी क्या होता, फिर मैंने ये बताया, क्वेश्चन सॉल्व किया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये भी क्वेश्चन, ये भी गेट का क्वेश्चन है। ये भी गेट का क्वेश्चन, ये भी, फिर ये मल्टीवेरिएट उसने उसका डाउट था, ये आ गया सोल्यूशन। ये भी गेट का क्वेश्चन, मतलब ये सॉरी ये गेट का क्वेश्चन है, आईएसआई का क्वेश्चन है, शायद देख लेना आईएसआई का क्वेश्चन है, देख लेना तुम लोग आईएसआई के। ठीक है, इसके बाद आईएसआई या फिर गेट, फिर गेट। ठीक है सर, वो ग्राफिकल अप्रोच मतलब वो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा कल की क्लास में बता दूंगा, याद दिला देना। ओके थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू टू ऑल। ओके थैंक यू सर।